कानूनी कागजात आए हैं डाल्टन्स के नाम। मधुमक्खी का छत्ता, प्लीज मुझे मत काटना। एवरल, मेरे लिए। दादाजी अब नहीं रहे। वही बुढ़ाओ इंसान जिसकी बचपन में हम मस्ती करते थे। हमारे दादाजी इतने बुढ़ाऊ नहीं थे। ये रही तुम्हारी विरासत। पता नहीं इसमें क्या है लेकिन वजनदार है। क्या कहा, विरासत? थैंक यू दादाजी, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। उस लंबू चंद को देखो, विरासत में कबाड़ मिला, खुश हो रहा है ये। टेबल को दादाजी समझकर इनसे बात कर सकते हैं। दादाजी यही है, महसूस करो। वो याद बातें बंद करो, समझे? दादाजी को बुरे बच्चे पसंद नहीं है। मतलब ये दादाजी कर रहे हैं जो प्रकट होकर सामने नहीं आते लेकिन चीजों को उठाकर यहाँ वहाँ उड़ा सकते हैं। हमें उड़ा सकते हैं क्या? तो फिर दादाजी से बात कैसे करें? दादाजी, आवाज आ रही है। मैं एवरल आपका पोता। आप ठीक हैं दादाजी? इतने सालों के बाद हम मिले हैं। भागने में मदद करिएगा क्या? दादाजी जो पूछ रहा है, आप उसको हवा में उड़ा पाएंगे क्या? हाँ, उड़ा सकते हैं। हाँ तो फिर इसे हम लोग बाहर ट्राई करते ना। लो 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 लो। संस्कारी टेबल के साथ क्या कर रहे हो? ये हमें दादाजी ने विरासत में दिया, हम हमेशा इसे साथ में रखेंगे। डाल्टन उड़ान में आपका स्वागत है। बाहर तापमान 20 डिग्री है। क्या तुम सच में उड़ रहे हैं? देखा आपने, मधुमक्खी शायद नया छत्ता बनाने जा रही है। बस पहुंच गए हम लोग। फिर से कोशिश करते हैं। हमें आजादी मिलेगी, हमें आजादी। लगता है दादाजी चाहते हैं कि सिर्फ एवरल को ही आजादी मिले, हमें नहीं। अपनी बकवास बंद करो। याद है एवरल दादाजी का फेवरेट बच्चा था। हाँ, इसके बाद तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अब दादाजी को तो हमें आजाद करना ही होगा। लेकिन तुमने अपने आप को बांध क्यों लिया है? वो क्या है ना, दुख के मौके पर परिवार को आपस में जुड़ कर रहना चाहिए, इसीलिए। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है, इनके संस्कारों पर गहरा असर हुआ है। छत्ता बनने के बाद मीठा मीठा शहद खाने को मिलेगा। हम दादाजी को पसंद नहीं है, कुछ और तरकीब सोचनी होगी। वो एवरल, उन्हें कहो कि हम तुम्हारे दूर के रिश्ते। तुम सही कह रही थी, जो परेशान लग रहा है। हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं। दो मत सामने आ। फर्नीचर की मार खा खा करके पक गया हूं मैं, लेकिन एक मस्त वाला आइडिया आया भैया। ओ प्यारे दादाजी, दम तो सामने आया। नहीं लगा, मैं फिर बच गया। क्या हुआ दादाजी, इतना मैं थक गया क्या? ऐसी चीटिंग तो हम स्कूल में किया करते थे। ये बात, चलो अब निकलो यहाँ से भैया। हाँ?
भागो यहाँ से, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। डाल्टन फिर भाग रहे हैं, जाओ पकड़ो उन्हें। बस बहुत हुआ, टेबल से छुटकारा पाना होगा हमें। अरे वाह, अरे रुक जाओ, खेल खत्म हुआ। बाय बाय दादाजी। अरे दादाजी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी एक चिट्ठी मेरे ही पास रह गई थी, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी विरासत, मेरा सारा सोना मैं एवरेल के नाम करता हूँ, क्योंकि उसने अच्छा बर्ताव किया। लग गया जैकपॉट। लेकिन एक शर्त पे कि वो ये सारा सोना अपने भाइयों को नहीं देगा। तो क्या कहा? इसलिए मैंने खजाना टेबल में छुपाया है। हाँ, टेबल का ऊपरी हिस्सा सोने का बना है। कहो कि ये सच नहीं है। ये लो अभी टेबल से बात कर रहा है। दिमाग पे चोट लगे तब ऐसा ही होता है ना। अरे डाल्टन आगे का तो पता ही है ना, हाथ ऊपर और चला जल वापस जाना है। ये बहुत मुश्किल है। बहुत खूब डाल्टन, योगा ही हमारे संस्कार हैं। चिड़ियासन, बढ़िया। खुजाओ बंदरासन, गिरगिटासन, वाह क्या अच्छे संस्कार हैं। संस्कार, 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 संस्कार। वाह वाह एवरल, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो। बस एवरल की तरह तुम भी अपने अंदर के जानवर को उड़ने दो। एक मस्त वाला आइडिया है, चल चल। तेरा संस्कार किया सिंह की तैसी, चल मेरे साथ। ठेंगो चंद बहुत ताकतवर है, उसे शुतुरमुर्ग आसन भी आता है। यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। इस पक गया हूँ मैं तुम्हारी आवाज सुन के। इस तुम कान खोल के सुन लो। इसकी आत्मा तो बाहर आ गई। मुझे नहीं पता था इस छिलके में केला भी है। क्या बात है, ये तो दीवार के आर पार भी जा सकता है। क्या कहा? दीवारों के आर पार। ये कैसे कर रहा है? मुझे भी ये करना है। अगर करना है पार दीवार तो नहीं मानो हार। चलो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया, आओ ठूसो। अरे अजीब बात है, देखो मेरा पेट खाली है लेकिन भूख नहीं है। कोई साथ? चुपचाप चाप या दादा। यस, यहाँ हम आजाद हो गए। हम लोग जा रहे हैं अलविदा शेरू। मेरे एलियन आका आ गए मुझे लेने, मैं आ रहा हूँ। रुको, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ए, रुको, ए, आत्मा के बच्चे जाओ अपने शरीर में वापस जाओ। नहीं तो क्या, ये बॉडी बहुत भारी है। अरे पर मेरी आत्मा और हल्की हुई जा रही है। सीधे सीधे अंदर जा वरना घुसेड़ दूंगा। जैसी आ गया बड़े भैया। गुड, अब चलो भागो। अरे भैया मैं भी आया।
ये क्या केला आ गए और छिलका पीछे रह गया। अब ये भूतिया तरबूज कौन है? ठीक है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं भाई लोग। ओए ना समझो ये सब क्या हो रहा है। ये भूतिया नहीं असली दादाजी है, डरो मत। हमारे पर दादाजी सच बोल रहे हैं, तुम्हारी जो समस्या है उसका हल शायद उनके पास है। वो जो भी हो, पहले तुम मेरे भाई को उसके शरीर में ठूसो। अच्छा कर लेते हैं। एक महीने का राशन मिला तो हम तुम्हारी ये तकलीफ आसानी से दूर कर सकते हैं। डर कोई शक। फनेल को घुसा के कार्य शुरू किया जाए। दादाजी को मत ले जाओ। ये ठीक हो गया। वाह, केला छिलके में आ गया। दादाजी बाहर निकलो। बात हो गया डाल्टन, चलो जेल में चलते हैं। मेरे योगा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ज्यादा ही फेंक रही है। क्या तुम मुझे कमर मरोड़ासन सिखा सकती हो? मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे काश मैं 200 साल छोटा होता। अरे जो मेरे भाई, तुम्हारी जगह कितनी छोटी है। चिंता मत करो, एक बार मारना शुरू करूंगा बहुत जगह बन जाएगी। कोई शक? चेकमेट। डाल्टन्स ये हैं इस जेल के नए सदस्य, टैलेंटेड मजीशियन मनीलाल। अरे वाह, मुझे जादू बहुत पसंद है। तुम इसे अपना घर ही समझो, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी मनीलाल। अरे ऐसा जादू तो मुझे भी आता है। ये लिए पत्थर, ये मैंने रुमाल रखा और पत्थर गायब। यार सब जानते हैं असली जादू जैसा कुछ नहीं होता। बाएं हाथ का खेल। तुमने देखा जो, उसने शेरू को गायब कर दिया। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मुझे माफ कर दो, हमें इस जेल से गायब कर दो ना, प्लीज प्लीज। मणिलाल वेकेशन पर छे, उसे आराम चाहिए, वो तुम्हारी मदद क्यों करे हैं? जिंदा रहने के लिए। हाँ तो ठीक छे। जादू का सबसे बड़ा राज है डायवर्जन है। तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो वो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। और कल मैं कुछ नहीं घुसा। तुमसे बात करते करते मैंने ये कर लिया,
देखो अब घुस गया। तुम गार्ड्स को बातों में उलझाओ और मैं जादू से दरवाजे की चाबी गायब करता हूं। ये हमसे ना हो पाएगा। तुम ही करो तुम्हारा जादू। हमको एक बॉक्स में डालो आबरा का डाबरा और हम वहां से गायब। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ। शेरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। चलो अपना कट्टा अपना गिल्ली गिल्ली छू बोलो आप करो वरना। ठीक छे करो। बस मुझे एक बार मेरे प्लैनेट पर वापस भेज दो। मैं मेरे प्लैनेट पर वापस आ गया। तेरी सैंडविच सैंडविचेस। शेरू यहाँ वापस आ जा। अगर मुझे तुम सबको गायब करना है तो मुझे ऑडियंस चाहिए। बिना ऑडियंस नहीं था। आओ देखो मैजिक शो। फ्री में। अरे गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। बाटली बंगार वाला। साथ मिलकर जादू देखना बस यही तो हमारे संस्कार हैं। यार गुरु हो जा शुरू। शांति रखो ने। जादू करने के लिए मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ने। मैं शांत हूँ इसमें कोई शक नहीं। अगर हम हिलेंगे नहीं तो भागेंगे कैसे हैं? जादू से हम आजाद हो गए। तुम लोगों ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने पूरी जेल ही गायब कर दी। अरे देख क्या रहा, भागो यहाँ से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। ना समझो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि म्यूजिशियन लोगों को ऐसे गायब कर देते हैं? ये तुम्हारा भ्रम है, हैं? ठीक है, तुम लोगों को यकीन दिलाओ कि हम उनके सामने लेकिन अब पीछे होंगे और वहां से रफ चक्कर हो जाएंगे। भाइयों ने बहनों, मैं अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके इन डाल्टन्स के 4 नहीं 8 नहीं 16 भी नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़े करके दिखाऊंगा। लेकिन ये तो हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं। संस्कारों की बात 2 मिनट बंद करो, बहुत मजा आ रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तेरा मनी अलग और लाल अलग कर दूंगा, समझे? चलो भाई लोग यहाँ से उड़न छूटते हैं। हम यहाँ हैं तो वहाँ पर कौन है? बेवकूफ, तुम्हारा भ्रम है। अरे 1 मिनट रुको, हमें कैसे पता कि तुम असली जो हो? ईश, पता चल गया। हाँ ये असली जो ही है। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, असल में डाल्टन्स है कहाँ? वो लोगों हुआ बक्सा में है। अब पीछे हम लोग का भरम है कि वो यहाँ से भाग रहे हैं। अब लोग हमको देख रहे हैं। ए, कूदो जल्द। जब जब डाल्टन्स भागने की कोशिश करते हैं जादू से वापस आ जाते हैं। हूँ यहाँ से जा रहा छू। मैं सब कुछ गायब कर सकता हूँ लेकिन इस जेल में रही मूर्खता कभी नहीं कर सकता। आओ जो। हे, इस रॉकेट को कोई आग लगाओ। हेलो, तुम्हारे पास लाइटर है क्या? आ गया जादूगर जोजो का एक और कॉन्फ्रेंस। और इस बार क्या, बिना कॉम्पस के सर्किल कैसे बनाते हैं? रीइनकार्नेशन की संस्कारी जानकारी। रीइनका का क्या कहा?
रिइंकार्नेशन भाई, मतलब मरने के बाद कुछ और बन जाना, जैसे कि फूल, पंछी या फिर पत्थर। फॉर एग्जाम्पल, शायद शेरू पिछले जन्म में कोई कीड़ा या तो छछंदर होगा। इससे पहले मैं कुछ और बनूं, मेरे प्लैनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे? मस्त वाला आइडिया आया। हम मरेंगे और पत्थर बन जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकल कर फिर से इंसान बन जाएंगे और टड़ांग मिल जाएगी आजादी। क्यों? सूप तैयार है। मेरे सूप मैं आ रहा हूँ। सूप तैयार है। क्या कहते हो, ये आइडिया अच्छा है कि नहीं? पता नहीं। अब मेरे पास एक भी मस्त वाला आइडिया बचा नहीं। एक हफ्ते में भागने के लिए 34 बार फेल, हद बनता है। मेरा भाई बीमार है। एक स्ट्रेचर, नर्स के कपड़े, क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो? तो भाइयों बताओ करना क्या है? भाई भाई कहाँ हो तुम लोग? जो जैक विलियम, वो मेरे बिना ही पत्थर बन गए। सब यहीं पर हैं, बहुत अच्छे। मेन एग्जिट की तरह। एवरल का क्या? उसे बाद में भगाएंगे। चिंता मत करो भाइयों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आए, कौन है हुआ? हमसे दूर ही रहना, बहुत गंभीर बीमारी है। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। चलो जल्दी। तो तुम हो जो, तुम हो जैक और तुम विलियम। इस सब पत्थर को पेंट करके क्या कर रहे हो? ये मेरे भाई हैं। लगता है सबका तबीयत खराब है। इस पेशेंट को ऐसे लेकर जाना है, दरवाजा जल्दी खोलो। चल के एक एम्बुलेंस हमें लेने आ रही है, हम बाहर वेट करेंगे। बाहर बहुत गर्मी है, एम्बुलेंस आएगी तब मैं बता दूंगा, ठीक है? तब तक तुम एसी की हवा खाओ। फिर से वही आ गए। चलो जल्दी से अपना सूप पी लो। एक मस्त वाला आइडिया आया है भैया। हंसो मत एवरल। चलो अब सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे। भैया अब हमें कोई नहीं रोक सकता, चलो जल्दी। देख लेना भाई, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे तुमने कहा था। हम बाहर निकलेंगे और फिर डिरी डिरी डिरिनकार्नेट हो जाएंगे। हम काफी दूर आ गए, अब ऊपर चलते हैं। अरे हम तो अंदर ही है। ए, तुम ऊपर से आए हो क्या? ये सब क्या हुआ? बोल रहा था कि पत्थर उसके भाई हैं। ऐसा क्या? उप्स, मेरा मैथ्स पहले से ही कमजोर है। एवरल, मेरे प्यारे एवरल, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू सेल तैयार है। वहाँ बड़ी खिड़की हो सकती है भाई, भागने में भी आसानी होगी। अरे यहाँ तो खिड़की नहीं है। बेचारा एवरल शायद बीमार है। हेलो नर्सेस, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ध्यान से, थोड़ा अजीब सा केस है। नहीं एवरल, उसने पहचान लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। चलो अब अंदर जाओ। क्या तुम्हें सरदर्द है? अरे पहले तुम हो कौन? ये
ये संस्कारी नर्सेज हैं जो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। लगता है फिर से दौरा पड़ गया। तुम सब जाओ यहाँ से, हम सब संभालेंगे। हमें जाने दो वरना जो नर्स को मार देगा। शांत हो जाओ एवरल। कैसा घोचू है ये, हिलना मत वरना वो डर जाएगा। रुको एवरल, अपने बंधकों को मत बोलो। जब हम लोग का काम नर्सेज ही कर रहे हैं तो क्या हम लोग सो जाए जेलर साहब? एवरल ये हम लोग है, मैं जो ये विलियम ये जैक। तुम लोग झूठे हो, ये अलग ही दुनिया में चला गया है। मेरे भाइयों को अकेले छोड़ दो समझे। अरे तुम ठीक ना हो जो, तुम्हें लगी तो नहीं? डाल्टन्स, भूल गया कि जेल में नर्सेस हैं ही नहीं। 35वीं बार फेल हुए। और कितनी दूर है मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त? साथे, तो कौन है भागने में पाट? तुम तो नहीं हो भाई। चुप हो जाओ खोचू, कॉमिक बुक पढ़ने वालों से मैं क्या बहस करूं? अरे शायद इसमें ही कोई प्लान मिल जाए, तुम्हारे प्लान तो वैसे भी कभी काम नहीं करते। इस लंबू चंद को चुप हो जाने कह दो वरना। बेटा मैंने क्या कहा था? तुझे बाद में देख लूंगा। दूसरे ग्रह से आया, मैं शांति का संदेश लाया। ये तो शायर निकला। अरे वाह, मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ, पहले इस प्लैनेट को थोड़ा पढ़ लो। मिलकर अच्छा लगा, हम निकलते हैं। अरे सुनो, सुबह नाश्ते में खीर है। अरे खीर? क्या ये तुम्हारा साथी है? तुम एक्सपर्ट होते जा रहे हो डाल्टन। अरे नहीं, हम इसे नहीं जानते, ये तो एक एली। ये हमारा साथी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। कुछ गड़बड़ है, इसे पहले कहीं देखा है? डाल्टन, जो डाल्टन, और तुम स्लीप गधे बोलो क्या? तुम्हारा नाम होगा रिम जिम। बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। अपने मिशन को भूल जाओ, मेरे पास उससे भी बहुत अच्छा आइडिया, असली एडवेंचर। तुम्हारी उस गाड़ी में और कितनी सीट्स हैं? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ, मुझे इस प्लैनेट को स्टडी करना है। ये बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा है घनचक्कर? मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए। पहले हमें सीख लेना चाहिए कि इसे चलाते कैसे है। ठीक है, पहले इसकी मदद करेंगे फिर इसकी मदद लेंगे। क्या देखो, इसको बोलते हैं फ्लैश। ये है पलंग, ये खिड़की, दरवाजा, दीवार, और ये एक गंदा मजाक है। ओह थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और क्या, ये लड़की है। मुझे पक्का लगता है कि इसे पहले कहीं देखा है। चलो बता दिया सब कुछ, क्या अब हम जा सकते हैं? बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? स्पेसशिप की इंजन ढीली हो गई है। एवरल अपनी चड्डी दो।
असली एडवेंचर शुरू किया जाए। आ, लेकिन प्लान में अब कुछ बदलाव है। पता नहीं ये कैसे उड़ता है। हम तुम्हें साथ लेना तो भूल ही गए रिमझिम। वैसे बताओ ना, तुम्हारी ये गाड़ी चलती कैसे है? तुम्हें एंटेना वाली टोपी पहननी होगी, फिर तुम जैसे सोचोगे वैसे स्पेसशिप उड़ेगी। ये है वो एंटेना वाली टोपी, इसे अच्छे से पहननी है बस। ये तो बाएं हाथ का खेल है। I'm sorry, देखो मैं फिर से तुम्हें भूल गया। अब सोचो। ये देखो उड़ा, ये उड़ा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कोई मिल गया। उसने ऐसे 12 जेल उड़ा दिए हैं। उसे पागल खाने भेजना होगा। इससे पहले यहाँ धमाका हो उसे ढूंढो। शायद देर हो गई। डाल्टन भाग रहे हैं। सभी सब आजाद हो गए। स्टोर रूम में मिला है जेलर साहब। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया। तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है बाबू पांडे। मैं जानता हूँ तुम कोई एलियन वेलियन नहीं। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया। पहले हम हमारा काम करवा लेते हैं। ये पीछे क्यों जा रहा? बाबू जी, भाइयों मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो सोचो, जोर से सोचो, जोर से। रुको भाइयों, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। जादूगर जोजो का एक और कॉन्फ्रेंस, और इस बार क्या, बिना कॉम्पस के सर्किल कैसे बनाते हैं? रीइंकार्नेशन की संस्कारी जानकारी। रीइंकार्नेशन भाई मतलब मरने के बाद कुछ और बन जाना, जैसे कि फूल, पंछी या फिर पत्थर। फॉर एग्जाम्पल, शायद शेरू पिछले जन्म में कोई कीड़ा या तो छछंदर होगा। इससे पहले मैं कुछ और बनूं, मेरे प्लैनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे? मस्त वाला आइडिया आया। हम मरेंगे और पत्थर बन जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकल कर फिर से इंसान बन जाएंगे, और टड़ांग मिल जाएगी आजादी। क्यों? सूप तैयार है। मेरे सूप, मैं आ रहा हूँ। सूप तैयार है। क्या कहते हो, ये आइडिया अच्छा है कि नहीं? पता नहीं। अब मेरे पास एक भी मस्त वाला आइडिया बचाना है। एक हफ्ते में भागने के लिए 34 बार फेल, हद बनता है। मेरा भाई बीमार है। एक स्ट्रेचर, नर्स के कपड़े, क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो? तो भाइयों बताओ करना क्या है? भाई भाई, कहाँ हो तुम लोग? जो जैक विलियम, वो मेरे बिना ही पत्थर बन गए। सब यहीं पर हैं, बहुत अच्छे।
मेन एग्जिट की तरह। एवरल का क्या? उसे बाद में भगाएंगे। चिंता मत करो भाइयों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आए, कौन है हुआ? आपसे दूर ही रहना, बहुत गंभीर बीमारी है। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। चलो जल्दी। तो तुम हो जो, तुम हो जैक और तुम विलियम। इस सब पत्थर को पेंट करके क्या कर रहे हो? ये मेरे भाई हैं। लगता है सबका तबीयत खराब है। इस पेशेंट को आईसीयू लेकर जाना है, दरवाजा जल्दी खोलो। चल के एक एम्बुलेंस हमें लेने आ रही है, हम बाहर वेट करेंगे। बाहर बहुत गर्मी है, एम्बुलेंस आएगी तब मैं बता दूंगा, ठीक है? तब तक तुम एसी की हवा खाओ। फिर से वही आ गए। चलो जल्दी से अपना सूप पी लो। एक मस्त वाला आइडिया आया है भैया। हंसो मत एवरल। चलो अब सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे। भैया अब हमें कोई नहीं रोक सकता, चलो जल्दी। देख लेना भाई, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे तुमने कहा था। हम बाहर निकलेंगे और फिर डिरी डिरी डिरिन कार्नेट हो जाएंगे। हम काफी दूर आ गए, अब ऊपर चलते हैं। अरे हम तो अंदर ही है। ए, तुम ऊपर से आए हो क्या? ये सब क्या हुआ? बोल रहा था कि पत्थर उसके भाई हैं। ऐसा क्या? उप्स, मेरा मैथ्स पहले से ही कमजोर है। एवरल, मेरे प्यारे एवरल, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू सेल तैयार है। वहाँ बड़ी खिड़की हो सकती है भाई, भागने में भी आसानी होगी। अरे यहाँ तो खिड़की नहीं है। बेचारा एवरल शायद बीमार है। हेलो नर्सेस, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ध्यान से, थोड़ा अजीब सा केस है। ओ नहीं, एवरल, उसने पहचान लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। चलो अब अंदर जाओ। तो क्या तुम्हें सरदर्द है? अरे पहले तुम हो कौन? ये संस्कारी नर्सेज हैं जो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। लगता है फिर से दौरा पड़ गया। तुम सब जाओ यहाँ से, हम सब संभालेंगे। हमें जाने दो वरना जो नर्स को मार देगा। शांत हो जाओ एवरल। कैसा घोचू है ये। हिलना मत वरना वो डर जाएगा। रुको एवरल। अपने बंधकों को मत बोलो। जब हम लोग का काम नर्सेज ही कर रहे हैं तो क्या हम लोग सो जाएं जेलर साहब? एवरल ये हम लोग हैं। मैं जो, ये विलियम, ये जैक। तुम लोग झूठे हो। ये अलग ही दुनिया में चला गया है। मेरे भाइयों को अकेले छोड़ दो, समझे? अरे तुम ठीक ना हो जो, तुम्हें लगी तो नहीं? डाल्टन्स, भूल गया कि जेल में नर्सेस हैं ही नहीं। 35वीं बार फेल हुए। और कितनी दूर है मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त? चलो। Yeah!
चल अब घुमा कर फेंको। हम तो कभी भी कामयाब ही नहीं होते हैं मेरे भाई, और आगे कभी कामयाब होंगे भी नहीं। मेरा नाम है बिजली चंद। तुम कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम होना ही नहीं चाहते। मैं मदद कर सकता हूँ। तुम मदद करोगे? अपने आप को देखो और खुद की मदद करो, समझे? ये कैसा लॉलीपॉप है भाई? इसकी मदद से मैं लोगों पे काबू कर पाता हूँ। डेमो देखना चाहोगे? तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो, भारी पहाड़। इस घोचू की क्या जरूरत है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। लाओ मुझे दो, चलो दिखाता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ। ऐसे देखो, मेरी बात सुनो और हमें जाने दो, समझे क्या? जब तक खाना खत्म नहीं होता तुम यहाँ से निकल नहीं सकते जो डाल्टन, समझे? ठीक है बॉस। ये पेंडुलम सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम भागने में कभी कामयाब नहीं होने वाले। इलाज के तौर पर मुझे तुम्हें तुम्हारा सबसे पहले वाला निष्फल प्रयास याद दिलाना होगा। वहाँ अगर कामयाब हुए तो ही आगे कामयाब हो पाओगे। 16 आने सच है भाई, कोशिश करके देखते है ना, शायद ये सच बोल रहा हो। याद है जब हम छोटे थे हर प्रयास निष्फल रहते थे। ठीक है, तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लूट का आधा हिस्सा चाहिए मुझे। क्या? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस मदद कर रहा था तुम्हारी। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ भाई। हमें ये सौदा मंजूर है छोटे बिजली चंद। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। हाँ शुभ रात्रि बॉस। छोटे बच्चे बन गए हो तुम। सौ उठक बैठक किए तो अब तुम जाके खेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। संस्कारी गेम खेलोगे? है तू पर करो। लेकिन ये हमारी संस्कार नहीं है। हमारी संस्कार गेम है ये, समझे क्या? हेलो, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लोलो, खेलो ना, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। ये मैं रख लेती हूँ, पैसे मेरे हुए। लोलू को तोहफे पसंद है, उसे कोई तोहफा क्यों नहीं दे देते? हाँ, लेकिन उसे क्या पसंद है? मुझे पता है, चमकीले कॉइंस। चलो जाकर असली पैसे लाते हैं, चलो। मस्ती नहीं डाल्टन, मैं देख रहा हूँ। Happy birthday to you. Have a happy birthday to you. ये नाटक बंद करो अभी। रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं नया ला दूंगा। चले गए थे तुम? दुकानदार के पास से असली सिक्के लाने। माँ, इतने सारे पैसे तुमने चोरी की है।
मेरे बच्चों तुम ठीक तो हो ना? इससे हम लोलो को तोहफा दे पाएंगे। लोलो कहाँ है? अपने मम्मी पापा के साथ चली गई, वो वापस नहीं आएगी। उसके पापा ने शहर में बैंक खोला। तो मैं शहर की सारी बैंक में जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ था, अब तुम्हारा प्रयास जरूर सफल होगा। तुम्हारा आधा हिस्सा यहाँ पर है। हमें जाने दो वरना ये सब तोड़ देंगे। तुम्हारा नया बॉस हूँ। हाँ, लूटा हुआ पैसा मेरा है। गलत बात है, उसने कहा प्रयास सफल होगा, झूठा कहेगा। उन्होंने कहा था यहाँ लूटा हुआ पैसा है, उल्लू बना दिया।